थे पंजाबी सॉन्ग चल मेले नु चली। तो गाइज इसी सॉन्ग को आज हम कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार से इसको आसान तरीके से बजाया जा सकता है। तो गाइज मैं आपको डायरेक्ट लंबा पैरामीटर ना देके शॉर्ट कीज बताऊंगा कि आप इन इन कीज को प्रेस करें और इससे आपका ये टोन बन जाएगा। गाइज बाकी आप गाना खुद से प्रैक्टिस करके उसको बाद में प्ले भी कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हमारा स्टेप आता है, हम फर्स्ट वाला स्टेप नहीं लेंगे गाइज, हम डायरेक्ट वो स्टेप लेंगे जो प्ले होता है। तो इसमें हमारी गाइज जो रिदम यूज हो सकती है वो रहेगी आपकी गोसप ढोल, जो आपको न्यू अपडेट की रिदम में मिलेगी, जो कुछ इस प्रकार से प्ले होती है। ये रही हमारी फर्स्ट स्टेप। तो गाइज इसको किस प्रकार से प्ले करेंगे देखिए, रौनक हो। अब देखिए हो, गाइज मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हो तो सॉन्ग का जो एक एक वर्ड है गाइज वो कीज के ऊपर चलता है। रौनक रौनक हो चूकट वे चल मेले नु चलिए, देखिए बिल्कुल आसान है। रौनक हो चलिए। गाइज ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, और इसका जितना भी स्टेप है गाइज सेम तरीके से प्ले होता है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप रिदम के साथ प्ले करना चाहते हो तो नॉर्मली गाइज आप इसका कोई भी वेरिएशन लीजिए। गाइज इस तरह से आप रिदम में प्ले करते हो। अब गाइज इसका जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है बंजली बजा सोरा लम्बे दिया। तो गाइज इस प्रकार का स्टेप आता है, मैं आपको एक बार पूरा बताता हूँ। गाइज जैसे आप इस स्टेप को प्ले करोगे, देखिए किस प्रकार से, देखिए बाकी सेम आएगा। जैसे आप इसको रिदम के साथ प्ले करोगे तो गाइस काफी, मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कीज बताता हूँ कि आप इन कीज से इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। तो गाइस कोई सा भी सॉन्ग को आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस सॉन्ग को प्ले करके दिखाई, तो गाइस हम उसका जरूर ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे।
और बिल्कुल आसान तरीके से बनाता हूँ गाइज, जिसमें आपको डायरेक्ट कीज बताता हूँ ताकि आप डायरेक्ट वैसा ही प्ले कर पाओ। क्योंकि गाइज जब हम किसी सुर को मतलब पढ़ाई के साथ पढ़ते हैं गाइज, तो उसमें काफ़ी ऐसा होता है कि सरगम वगैरह काफ़ी लगती हैं, जिसके बाद कुछ लोगों को गाइज इसकी डिटेल समझ में नहीं आती, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कीज बताता हूँ कि आप इस कीज को ट्राई करो। गाइज इससे क्या होता है कि आपको वीडियो देख के डायरेक्ट वही कीज प्रेस करते हो, जिसके बाद आपका सॉन्ग का जो लय है बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे हो सकता है कि आपका हाथ कुछ अलग चले, उसके बाद गाइज आप जब आप एक कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो हाथ है अच्छा चलने लगा। तो गाइज आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और गाइज किसी और सॉन्ग का भी आपको चाहिए हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका वीडियो जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।